ये स्वच्छता सर्वेक्षण की जो पूरी एक्सरसाइज रहती है बहुत ही व्यापक और बहुत जटिल एक तरीके से पूरी एक्सरसाइज रहती है। 6000 नंबर होते हैं और 6000 नंबर में जितने भी अवयव हो सकते हैं स्वच्छ भारत मिशन के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे सभी पे काम करना पड़ता है। इवन जैसे अगर हम बात करें, अगर पार्क में किसी टीम जाती है तो पार्क में देखती है कि उसमें दो जुड़वा लिटरमिन लगे हैं कि नहीं लगे हैं, उनके ऊपर स्टिकर चिपका है कि नहीं चिपका है, वहाँ पर पेंटिंग है या नहीं है, पानी निकलने के लिए चैम्बर बने हैं कि नहीं बने हैं, तो इन सभी चीज़ों के किसी के 5 नंबर, किसी के 10 नंबर, किसी के 20 नंबर होते हैं। तो ये तो एक उदाहरण है। ऐसे ही लगभग 500 के आसपास पॉइंट्स होते हैं जिन पर अपने को तैयारी करने की आवश्यकता होती है। हमने सभी पे माइक्रो मॉनिटरिंग करके सभी पे तैयारी करी है, पूरी हमारी तरफ से तैयार है टीम। जो सर्वे है, वाटर प्लस का सर्वे एक हो चुका है, कंप्लीट हो गया है। दूसरा सर्वे अभी जो स्टार रेटिंग का है वो वर्तमान में जारी है, मुझे उम्मीद है कि 10-12 दिनों में वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा एक अन्य टीम भी आने वाली स्वच्छता सर्वेक्षण की मुख्य टीम, तो ये सारी टीम्स आके लगभग पूरे शहर भर में 1000 से ज़्यादा जगहों पर सैंपल्स लेती हैं, फ़ोटो खींचती हैं। लेकिन हमारी जो तैयारी का स्तर है उससे उसको देखकर और जो हमको सहयोग मिल रहा है जनता से और मीडिया से, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग नंबर वन आएंगे और चौका लगाएंगे। तशु चावला है, मैं खंडवा से हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि इंदौर स्वच्छता में चौथी बार नंबर वन आएगा, क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रही हूँ और मैं बहुत जगह घूमी हुई हूँ इंडिया में भी, और बहुत सारी जगह मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा कचरा है, पर इंदौर बहुत सेफ़ है और बहुत सारा क्लीन है। हम लोग क्योंकि जब ट्रैवल करते हैं ना, तो मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की थी, मैं अपने फादर के साथ ट्रैवल कर रही थी तो हमारे जो ड्राइवर था उसने एक बॉटल बाहर फेंकी बाईपास रोड पे, तो एक बस वाले ने आके हमको साइड से स्पेशली रोक के, बस वाले ने ये बोला कि ये इंदौर है, आप यहाँ पे ये बाहर नहीं फेंक सकते, आप डस्टबिन में ही डालिए। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इनफैक्ट लोग इतना इनिशिएटिव ले रहे हैं इस चीज़ के लिए कि उन लोग आके रोक के स्पेशली इस चीज़ को हमको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं। तो लोगों में भी ये चीज़ अब डेवलप हो गई है कि वो लोग भी अब थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। अवेयरनेस फैल चुकी है, ये बहुत पार्शली बहुत साइड से, इवन म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से और इवन दी लोकल पीपल, अगर लोकल पीपल भी साथ नहीं देते इस चीज़ का तो ट्राई सम नहीं बन पाते वो चीज़। बट 4 टाइम बनने के लिए येस वी आर टेकिंग इनिशिएटिव्स, हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी। अभी ए बी रोड पर पूरा इट्स गेटिंग अ ड्रास्टिक चेंज, क्योंकि हर जगह द LEDs एंड ऑल दैट आर डेवलपिंग।